हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मेरा नाम है स्नेहा और हम हमारे चैनल में सीख रहे हैं फिंगर एबेकस। ये मेरा 8th वीडियो है फिंगर एबेकस में और आज के वीडियो में आपको सिखाऊंगी स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूला का सेकंड पॉइंट, दैट इज 3+2=5 विथ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स। मगर उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस को आप सबसे पहले देखें तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। गाइस, लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूला का फर्स्ट पॉइंट विथ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें सबसे पहले देखिए, अदरवाइज आप ये सारी चीजें अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे 3+2=5। जब हम फिंगर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं और हम कैरी वाले एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे पास फिंगर्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं। हमें दो फॉर्मूला यूज करना होता है, एक है स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूला, एक है बिग फ्रेंड फॉर्मूला। स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूला में ये 4 पॉइंट है और बिग फ्रेंड फॉर्मूला में भी 4 पॉइंट है। अगर हम इन दोनों फॉर्मूलाज को अच्छी तरीके से सीख लेते हैं तो हम सारे 2 डिजिट कैरी और बोरो वाले सम्स इजीली कर लेते हैं। और आज हम इसका सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूला का। ओके, चलिए हम स्मॉल एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं कि किस तरह से +3 अगर हमें चाहिए तो हम -2+5 करेंगे। ओके, मान लीजिए हमने लिया 33+13, 10, 20, 30, 33, 1, 2, 3 +13। अब हमें +13 करना है, प्लस हमने 10 कर दिया, अब हमें +3 करना है यहाँ पे। लेकिन 3 के लिए फिंगर्स अवेलेबल नहीं है। अगर हम इसे अप करेंगे तो +1 होगा, हमको अप करेंगे तो +5 होगा। ओके, तो अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। +3 का क्या फॉर्मूला है? -2+5, तो हम -2 करेंगे यानी 2 फिंगर्स डाउन करेंगे, और +5 करेंगे यानी हम थंब को अप करेंगे। नाउ वी कैन काउंट 10, 20, 30, 40, 45, 6। 46 विल बी द आंसर। अब हम -3 के फॉर्मूले को समझते हैं कि अगर हमें -3 चाहिए तो हम कैसे +2 -5 करते हैं। ओके, 46 - 23, मान लीजिए हमने ये एग्जाम्पल लिया, 46, 10, 20, 30, 40, 46, 5, 6, 46, -23, 10, 20, -23। अब हमें यहाँ -3 करना है, मगर हमारे पास फिंगर्स अवेलेबल नहीं है। अगर हम इसे डाउन करेंगे तो -1 होगा, इसे डाउन करेंगे तो -5 होगा। तो अब हम -3 का फॉर्मूला यूज करेंगे। -3 का क्या फॉर्मूला है? +2 - 5, तो हम +2 करेंगे यानी 2 फिंगर्स अप करेंगे, और -5 यानी थंब को डाउन करेंगे। नाउ वी विल कैलकुलेट 10, 20, 20, 1, 2, 3, 23 विल बी द आंसर। गाइस, चलिए हम लॉन्ग एग्जाम्पल्स के साथ इसे समझते हैं अपनी मास्टरमाइंड कृतिका के साथ। गाइस, आप भी कृतिका के साथ ये सारे कैलकुलेशंस कीजिए और अगर आप उसकी स्पीड को मैच कर लेते हैं तो आप समझिएगा कि आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल सही जा रही है। और अगर आप नहीं कर पाते हैं मैच तो भी कोई बात नहीं, हम और प्रैक्टिस करके इसे फास्ट कर लेंगे। तो चलिए मास्टरमाइंड कृतिका को बुलाते हैं। कृतिका, प्लीज कम। हाय, आर यू रेडी? कृतिका, यस आई एम रेडी। गाइस, आर यू रेडी? ओके, बेस्ट ऑफ लक। चलिए, 42 + 53 - 65 + 17 - 33 14। वेरी गुड गाइस, आपका भी सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड, नेक्स्ट 96 - 43 + 30 - 21 + 23 85। वेरी गुड, नेक्स्ट 77 - 53 - 22 + 63 - 13 52। वेरी गुड, नेक्स्ट 85 - 73
प्लस 23 प्लस 54 माइनस 63 26. वेरी गुड, गुड जॉब कृतिका. बाय बाय गाइस. इसलिए मैंने स्लो मोशन में आपको बताया था कि आप भी ये कैलकुलेशन इजीली कर पाए. चलिए आप बहुत अच्छी तरीके से धीरे धीरे से समझते हैं कि हम किस तरह से इसे करेंगे. ओके 42 10 20 30 40 42 1 2 42 प्लस 53 53. अब हमें प्लस 3 यहाँ करना है, फिंगर्स अवेलेबल नहीं है. प्लस 3 का क्या फॉर्मूला है? माइनस 2 प्लस 5. 1 2 माइनस 2 प्लस 5 माइनस 65 50 60 माइनस 65 प्लस 17 1 7 17 माइनस 33 10 20 30 माइनus 33. अब हमारे पास फिंगर्स नहीं है तो अब हम माइनस 3 के लिए फॉर्मूला लेंगे. माइनस 3 का क्या फॉर्मूला है? प्लस 2 माइनस 5 प्लस 2 1 2 प्लस 2 माइनस 5. नाउ कैलकुलेट 1 and 4 1 4 14 14 विल बी द आंसर. नेक्स्ट 96 96 माइनस 43 10 20 30 40 माइनस 43. अब हमें यहाँ माइनस 3 करना है, फिंगर्स नहीं है. अगर हम इसे क्लोज करेंगे तो माइनस 1, इसे क्लोज करेंगे तो माइनस 5. तो अब हम फॉर्मूला लेंगे. माइनस 3 का फॉर्मूला क्या है? प्लस 2 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 5. ओके माइनस 43 प्लस 30 10 20 30 प्लस 30 माइनस 21 10 20 माइनस 21 प्लस 23 10 20 प्लस 23. अब हमें यहाँ प्लस 3 करना है, फिंगर्स नहीं है. प्लस 3 का क्या फॉर्मूला है? माइनस 2 प्लस 5 माइनस 2 1 2 माइनस 2 प्लस 5. नाउ काउंट 5 6 7 8 8 हियर एंड 5 हियर. 85 विल बी द आंसर. नेक्स्ट 77 77 माइनस 53 माइनस 53. अब हमें यहाँ माइनस 3 करना है, फिंगर्स अवेलेबल है नहीं. इन्हें माइनस करेंगे तो माइनस 2 होगा, इन्हें करेंगे तो माइनस 5 होगा. तो माइनस 3 का क्या फॉर्मूला है? प्लस 2 माइनस 5 प्लस 2 1 2 प्लस 2 माइनस 5. ओके माइनस 53. नाउ माइनस 22 माइनस 21 10 20 माइनस 22. ओके प्लस 63 प्लस 63. अब हमें प्लस 3 करना है और फॉर्मूला लेना पड़ेगा क्योंकि फिंगर्स नहीं है. ओके प्लस 3 का क्या फॉर्मूला है? माइनस 2 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 5 माइनस 30 माइनस 1 एंड माइनस 3. अब हमें यहाँ माइनस 3 करना है, अगेन हमें माइनस फॉर्मूला लेना पड़ेगा. माइनस 3 का क्या फॉर्मूला है? प्लस 2 माइनस 5. ओके व्हाट इज द आंसर? 52 52 विल बी द आंसर. नेक्स्ट 85 85 माइनस 73. ओके 50 60 70 माइनस 73. अब हमें माइनस 3 यहाँ पे करना है, फिंगर अवेलेबल नहीं है. क्या फॉर्मूला है? प्लस 2 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 23 10 20 प्लस 23. अब हमें यहाँ प्लस 3 करना है, लेकिन यहाँ अगर हम इन दोनों को आप करेंगे तो प्लस 2 होगा, इसको आप करेंगे तो प्लस 5 होगा. तो अब हमें प्लस 3 के लिए फॉर्मूला लेना पड़ेगा. प्लस 3 का क्या फॉर्मूला है? माइनस 2 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 5. ओके नेक्स्ट प्लस 54 प्लस 54 माइनस 63 माइनस 63. क्योंकि अब हमें फॉर्मूला नहीं चाहिए क्योंकि फिंगर्स हमारे पास थे. ओके नाउ व्हाट इज द आंसर? 10 20 26 इज द आंसर. गाइस इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए. दो और पॉइंट डिस्कस करने के बाद हम नेक्स्ट लेवल में जंप करेंगे जो कि है बिग फ्रेंड. ओके और उसके बाद आप किसी भी तरीके के क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं. काफी व्यूवर्स का मेरे पास कमेंट आया कि इस क्वेश्चन को किस तरह करें, उस क्वेश्चन को किस तरह करें. ये चीजें अभी मैं इसलिए नहीं बता पाऊंगी आपको क्योंकि अभी मेरे फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है. एक बार आप बिग फ्रेंड और स्मॉल फ्रेंड ये दोनों फॉर्मूला कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन कैरी और बोरो वाले इजीली कर सकते हैं.
तो कीप वॉचिंग माई ऑल द वीडियोज गाइज एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।